सब्सक्राइब कीजिए रिच रिच किचन एंड लाइफस्टाइल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड वेलकम टू माय रिच रिच किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोग के सामने एक डिफरेंट सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही यम्मी और चटपटी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। ऐसा लगेगा कि आप शादियों में जैसी या होटल्स में जैसी सब्जी खाते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही है। सोया चाप की अमेजिंग ग्रेवी रेसिपी, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ये सोया चाप लेके लिया है, ये मैंने मार्केट से लिया है और इसको मैंने बस इसमें से फटाफट, इसमें जो आइसक्रीम स्टिक लगी होती हैं इन्हें बहुत ध्यान से निकालना होता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती हैं, ये टूटनी नहीं चाहिए। अब इसमें से एक एक करके मैंने सारी स्टिक्स निकाल दी हैं। अब मैं इन्हें कट करूँगी, सर्कल्स में इनको हम कट करेंगे, फिर इनको हम डीप फ्राई करेंगे और ये जो लेयर्स हैं इसमें इसमें डीप फ्राई करके जब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो इन लेयर्स में बहुत अच्छे से जो इसका मैरिनेशन होगा, सारा मसाला वो सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इसके लेयर्स के कारण बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी लगती है। यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ, आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो, इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। हमें इसे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इसको हमें फ्राई करना है। लो एंड मीडियम फ्लेम का यूज करेंगे हम यहाँ पे इसे फ्राई करने में। सारी चाप यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब मैं इन्हें यहाँ पे ऑयल इसमें से निकालते हुए कलछी को ऐसे टेढ़ा करके निकालें जिससे सारा ऑयल निकल जाएगा। इसे मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी और फिर हम इसका मैरिनेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़े बोल में ये सारी चाप रख ली है। अब मैं इसमें एक टेबल स्पून बटर डालूंगी। बटर का फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। यहाँ मैं ये 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने दही डाले हैं। अब यहाँ पे मैं ये चाट मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून। दही और चाट मसाला का जब फ्लेवर यहाँ पे मिक्स हो जाता है तो ये इस सब्जी को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देता है और इसको 20 मिनट्स के लिए हमें मैरिनेशन के लिए इसको रखना होगा। यहाँ ये बिल्कुल अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, इसको ढक के 20 मिनट्स के लिए मैंने एक साइड रख दिया। मैंने यहाँ पे एक वो जो पैन में ऑयल था वैसे ही रहन दिया है और मैंने यहाँ पे 4 बड़े बड़े यहाँ मैंने अनियंस को लंबा पतला कट कर दिया है और मैंने 10 से 12 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हैं, उन्हें छील लिया था और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, उसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब इनको हम एकदम क्रिस्पी होने तक और इसका गोल्डन कलर जैसे आ जाता है वैसा होने तक इसको हम लो एंड मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे। देखिए आप इसको मैं लगभग शैलो फ्राई ही कर रही हूँ, अच्छे से इसमें ऑयल है। अब इसको हम यहाँ पे निकाल के ठंडा कर देंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, इसको मैंने ठंडा कर दिया है। अब इस ग्राइंडर में मैं इसको यहाँ पूरा ये डाल दूंगी, इसमें थोड़ा सा पानी में डालूंगी जिससे इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बना सके। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, इसका एक थिक पेस्ट बन चुका है। अब इसमें मैंने वो प्याज का जो पेस्ट था वो अलग निकाल दिया था, इसमें 2 बड़े टमाटर मैंने डाले हैं और 2 हरी मिर्चें डाली हैं, इनका भी मैंने एक अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई ली है मैंने, इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों के तेल में सब्जी बहुत अच्छी बनती है और हमेशा सरसों के तेल में आप जब भी सब्जी बनाएं तो आप उसमें थोड़ा सा नमक पहले डाल दें। यहाँ मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची और 4 लौंग ली है जिसे मैंने अच्छे से इसमें सौटे कर लिया है और यहाँ मैं ये पूरा टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। और सरसों के तेल में नमक डालने का पहले से एक ये टिप ये है, इसलिए है जिससे कि इसमें जो सरसों के तेल की जो स्मेल होती है, बैड स्मेल, वो नहीं आएगी। यहाँ 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 1 बड़ा चम्मच पिसा धनिया हम यहाँ डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च। आप यहाँ पे स्पाइसेस और सॉल्ट अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें।
एक छोटा चम्मच मैं यहाँ भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ। इसका फ्लेवर भी बहुत अमेजिंग आता है ग्रेवी वाली प्याज की जो सब्जी होती है। ये मैं एक बड़ा चम्मच रेड चिली जो है ये कश्मीरी लाल मिर्च वो डाल रही हूँ। इसमें कोई वो तीखापन नहीं होता है, ये बहुत अच्छा कलर देता है हमारी ग्रेवी को। प्याज का वो हम इसमें पूरा पोर कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी डालूंगी क्योंकि मसाला काफी सूख गया है। अभी जो हमने मैरिनेट करी हुई चाप रखी थी अब हम इसमें पूरी डाल देंगे और इसे मसाले के संग अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे भूनेंगे। ज़्यादा अमेजिंग सब्जी लगती है ये, आप अपने गेस्ट को भी बहुत ये खिलाएंगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। इसमें मैंने ये एक टीस्पून गरम मसाला डाला है, बाजार का गरम मसाला है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, अगर घर का हो तो आप इसे हाफ टी स्पून डालें। यहाँ मैंने पानी भी डाल दिया है, एक से डेढ़ बड़ा गिलास डाला है मैंने, और यहाँ मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच। इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस होकर आता है और बहुत अमेजिंग सब्जी लगती है। यहाँ पे मैं अब एक बड़ा चम्मच ये नमक डाल दे रही हूँ, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे ढक देंगे, 2 मिनट के लिए हम इसे ढकेंगे। ये देखिए कितनी अमेजिंग सब्जी लग रही है, कोई कह सकता है कि ये सब्जी घर में बनाई है। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ और आप इसे बनाइए अपने घर में, मुझे बताइए कमेंट करके कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। और आप मुझे सजेशन दीजिए, रेसिपीज़ की डिमांड कीजिए, मैं उसे पूरा करने की बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।